कॉम्फर्ट लेडी प्रेजेंट्स वहाँ जिंदगी पावर्ड बाय एवरग्रीन होशियारी स्पॉन्सर्ड बाय सॉल्टी ग्रुप एंड नेपच्यून टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सराओगी आप सभी का कंफर्ट लेडी प्रेजेंस वाह जिंदगी सीजन 4 के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। हमारे जीवन में शिक्षा का काफी बड़ा महत्व है। धन दौलत आ सकती है जा सकती है, पर शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे एक बार आपने पा लिया तो वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। शिक्षा वह माध्यम है जिसके बलबूते पर आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं वह जिंदगी। विक्रम ग्रुप के चेयरमैन और कोलकाता के जाने माने उद्योगपति श्री हरि कृष्ण जी चौधरी ने शिक्षा के इसी महत्व को समझा और अपने जन्म स्थान हरियाणा के बहल में एक नहीं बल्कि न जाने कितने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें पढ़कर हजारों लाखों की संख्या में बच्चों ने अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में चलिए देखते हैं और उन्हीं शिक्षण संस्थाओं की जानकारी हासिल करते हैं। बहल हरियाणा के रेगिस्तानी इलाके का एक शहर जो कभी छोटा सा गाँव और पिछड़ा इलाका हुआ करता था, जो कभी गरीबी भूख अशिक्षा से जूझता था, पर आज इस इलाके की तस्वीर बदल गई है और बहल देश में आज एक एजुकेशनल हब के रूप में विख्यात है। इसका श्रेय जाता है बहल में जन्मे और वर्तमान में कोलकाता निवासी और उद्योगपति श्री हरि कृष्ण चौधरी को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के बाद अपने जन्म स्थान बहल में शिक्षा के लिए ऐसा कार्य किया जिससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जिंदगी बन गई वह जिंदगी। कोलकाता आने के बाद अपने व्यवसाय में सफलता के बाद उन्होंने अपने जन्मस्थल के लिए कुछ करने को सोचा। इसके लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना और कई राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थानों का निर्माण कराया और आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व बहल में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यालय का निर्माण कराया जिसका नाम है ज्ञान कुंज। बहल में आपने अपने स्कूल की स्थापना कैसे की, मतलब कब सोचा था कि बहल में भी हमें एक स्कूल करना है? बिरला जी का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में जितना है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, और हमारे सामने जब हम थे उनका एक पैशन था, थोड़ा सा एक 10 पैसा 20 पैसा 5 पैसा मैंने उनसे ग्रहण किया कि मुझे बहल में पिलानी जैसी संस्था बनानी है, और कुछ बाबूजी की इच्छा थी कि भाई तुम लोग का काम धंधा थोड़ा सेट हो जाए तो एक स्कूल बना देना छोटा मोटा। 2-3 साल तो सोचते सोचते 1987 की 14 जनवरी को भूमि पूजन किया, 6 महीने में डबल स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर दी, 6 महीने और वो स्कूल चालू होगी। तो
तो हमने डे स्कूल करी, फिर रेजिडेंशियल स्कूल की, जमीन ली। BRCM एजुकेशन सोसाइटी इन बहल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्रॉम KG टू PG अंडर डिफरेंट एजुकेशनल वेंचर्स। इनफैक्ट BRCM एजुकेशन सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन विद द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर वी आर ट्राइंग टू ग्रूम आवर चिल्ड्रेन नॉट फॉर द एकेडमिक ग्रोथ ओनली, रादर वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो इम्प्रूव द लाइफ स्किल सो दैट दे कैन बिकम अ परफेक्ट सिटीजन इन फ्यूचर। CBSE पाठ्यक्रम वाले इस डे स्कूल में उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा दी जाती है। ज्ञान कुंज में विज्ञान, वाणिज्य और कला विभाग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री के लेबोरेटरी का भी यहां निर्माण किया गया है, जो होनहार विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कला विभाग के लिए यहां आर्ट क्लास और भूगोल लैब की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के बाद की उच्चतर शिक्षाओं के लिए भी यहां विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। टुडे वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 150 villages, and the great thing which we are having is that they are coming with their own conveyances from villages, from the fields, and covering almost in the area of 40-45 kilometer in a aerial distances. No doubt it, the facilities which we are providing here is number one in Haryana itself, and the result of this facility is that our students are in the doctor's field as a scientist in a ISRO also we have produced as a result. Our students also take part in the games and the sports curriculum. They have shown their marvelous recommendable output with more than 200 students in the national as well as in the states also. The fee structure is very minimum for this school. We are only having 35,000 rupees per annum for the medical and the non-medical student, which you cannot find anywhere. Apart from this, we are also providing a free education in a free school in the name of Nanhe Kadam, where 300 students are studying, where the trust is providing all the facilities from the academic facilities to the dress to the all the stationeries. Tiffin, everything is being provided by the trust free of cost. I am here since 2005. I feel glad to be here and fortunate enough to have such an environment. I am learning a lot from here and wish my school to flourish as the same. इस विद्यालय में मेरे को पढ़ के इतना खुश हो रहा है कि मैं मतलब कहीं और विद्यालय में जा चुका हूँ, पर वहाँ पर मेरे को इतना कम्फर्टेबल नहीं हुआ। इस विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करने में, उनके बातचीत करने में मेरे को बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर इतना अच्छा है बच्चे के प्रति, जैसे खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो। कम्फर्ट लेडी प्रेजेंस वहाँ जिंदगी सीजन 4 में अब वक्त हो चुका है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रही हूँ। आधुनिक महिलाओं के जीवन को आरामदायक और रंगीन करे कंफर्ट लेडी। पलाजोज, जेगिंग्स, लेगिंग्स, शिमर्स, चूड़ीदार, एंकल लेंथ, स्लिम फिट लेगिंग्स। आधुनिक फैशन और कंफर्ट का दूसरा नाम कंफर्ट लेडी। लेगिंग्स, कुर्ती, टी शर्ट, ट्रैक पैंट्स आदि रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़ों के प्रसिद्ध डाईकर्ता एवरग्रीन होशियारी। डाई की दुनिया में प्रसिद्ध और विश्वसनीय नाम एवरग्रीन होशियारी। आपको दुनिया की सैर कराता है नेपच्यून। फैमिली ट्रिप हो या कॉर्पोरेट टूर, आरामदायक और आनंददायक सुरक्षित भ्रमण के लिए आज ही आइए नेपच्यून। सॉल्टी ग्रुप, विश्वस्तरीय होटल, कमर्शियल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण करता सॉल्टी ग्रुप, जहां पूरे होते हैं आपके सपने। सॉल्टी ग्रुप। ब्रेक के बाद कंफर्ट लेडी प्रेजेंट्स वहां जिंदगी सीजन 4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
तो चलिए देखते हैं कि श्री हरिकृष्ण चौधरी जी द्वारा निर्मित हरियाणा के बहल में शिक्षण संस्थाओं में किस प्रकार से बच्चों की जिंदगी को बनाई जा रही है वह जिंदगी। सन 1989 में श्री चौधरी जी ने एक अभूतपूर्व शिक्षा संस्थान की स्थापना की, उसका नाम है विद्याग्राम। बहल के गौरव इस आवासीय विद्यालय का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और ये CBSE पाठ्यक्रम के अधीन है। यहाँ छात्र छात्राओं के सह शिक्षा की व्यवस्था है। विद्याग्राम के स्कूल की मूलभूत सुविधाएं उच्च कोटि की हैं। पढ़ाई खेलकूद की उच्चतम सुविधाओं के साथ यहाँ उपलब्ध है डिजिटल लैब, भाषा शिक्षा लैब, ऑडियो विजुअल कक्ष, लाइब्रेरी तथा और भी ढेर सारी सुविधाएं। माध्यमिक के बाद योग्यता अनुसार यहाँ विज्ञान, वाणिज्य तथा कला विभाग की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा के साथ साथ भारत के पूर्वी क्षेत्र से भी छात्र छात्राओं का एक बड़ा समूह यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आता है। विद्याग्राम इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस स्पीक मैके IAYP का सदस्य है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तरीय और ढेर सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। विद्याग्राम की एक और विशेषता है यहाँ के खेल कूद के बुनियादी ढांचे और मूलभूत सुविधाओं का उच्च स्तरीय होना। राइफल शूटिंग, तीरंदाजी, हॉर्स राइडिंग, एरोबिक, बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग आदि का भी प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। हर तरह के खेल की यहाँ भरपूर सुविधा उपलब्ध है। विद्याग्राम में प्रतिवर्ष भारत के सभी पब्लिक स्कूल के बीच वॉलीबॉल की एक आकर्षक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर है। विद्यार्थियों के भोजन के लिए यहाँ एक विशाल कैंटीन है, जहाँ 1000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर खा सकते हैं। इस कैंटीन का नाम है अन्नपूर्णा। यहाँ लड़के और लड़कियों के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों में नेतृत्व देने की क्षमता, एडवेंचर और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक क्लब, शिल्प कला क्लब, स्कूल बैंड तथा विभिन्न सुविधाएं भी हैं। किताबों तथा रोजमर्रा की वस्तुओं की खरीदारी के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर की भी सुविधा है। आज की आधुनिक दुनिया के लिए विद्याग्राम में प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, जिनमें शामिल हैं डॉक्टर, इंजीनियर, इनोवेटर, मिलिट्री ऑफिसर तथा विभिन्न प्रोफेशन से जुड़े हुए उच्च कोटि के सफलतम नागरिक। The students in our boarding houses hail from different countries and states like Nepal, Bhutan, Manipur, Sikkim, Assam, Rajasthan, etc. The school has a successful record of imparting all-round education to its children. The school is also accredited to IPSC, IAYP, SPICMACE, INTAC, etc. The school also provides an opportunity for the students to participate in sports at different levels. In addition to academics and sports, the school also gives an opportunity to the students to develop their creative skills by picking up some hobbies like woodcraft, clay modeling, ceramics, paper recycling, art and craft, dance, music, etc. This was a very wonderful school, had greenery, sports, curricular and co-curricular activities. Hostel life, that was very interesting. We all enjoyed our life very well. If we have any problem, we directly go to the house mistress and the problem will be sorted out at that moment only. We don't have to go to our homes or share any problem. So teachers are very frank with us. I'm here in this school from last 5 years and find it's more concerned about academics and sports as well. BRCM College of Engineering and Technology एक उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग और तकनीकी विद्या प्राप्त करने का प्रतिष्ठान है। हरियाणा के भिवानी के पास बहल नामक गांव में इस कॉलेज की स्थापना 1999 में की गई और धीरे धीरे समय के साथ इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने शिक्षा के मानचित्र में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह हासिल कर ली है। शिक्षावृत्ति श्री एच के चौधरी के सपनों को संजोए इस शिक्षण संस्थान में शिक्षा उच्च स्तरीय है।
रोहतक हरियाणा के एमडी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए इस संस्थान को AICTE और हरियाणा सरकार की मान्यता प्राप्त है। शिक्षा और अन्य आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है BRCM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए बेहतरीन प्रकार की उन्नत सुविधाओं से युक्त लैब उपलब्ध हैं और 150 कुर्सियों वाली विशाल लाइब्रेरी भी है, जहाँ आवश्यक रेफरेंस बुक्स, मैगजीन और जर्नल्स की भरमार है। क्लासरूम से लेकर सेमिनार हॉल तक वाईफाई की सुविधा है तथा कॉलेज की अपनी बस सेवा भी उपलब्ध है, जिससे आसपास के क्षेत्रों से सुगमतापूर्वक आवागमन हो सके। इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग की भी शिक्षा दी जाती है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाए गए हैं। BRCM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जैसे NJIT और न्यूयॉर्क USA में 6 हफ्तों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण की सुविधा। इस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगे चलकर योग्य और कुशल प्रोफेशनल बन जाते हैं और इतने योग्य कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में उन्हें आसानी से प्रवेश मिल सके। This college is established with the aim to provide technical education in one of the most neglected part of Haryana, where there were no facility to provide technical education to the rural students. This college is running 5 branches of engineering like mechanical engineering, civil engineering, computer science and engineering, electronics and communication engineering and electrical and electronics engineering. Besides that, this college is also imparting M.Tech programs in 5 disciplines like manufacturing and automation, structural engineering, computer science and engineering, mechanical engineering and electronics and communication engineering. This college has accredited by the National Board of Accreditation for 2 of its branches like mechanical engineering and electronics and communication engineering. This is the one of the best college in the Haryana state and the laboratories are very well and highly equipped. I took admission in BRCM College of Engineering and Technology because the facility provided here is very good and all the faculty members are very great to us and there are many job opportunities waiting for me. सन 2009 में RDNL विद्या मंदिर की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन उद्योगपति और समाज सेवी श्री नागरमल जी अग्रवाल के द्वारा किया गया। RDNL विद्या मंदिर, जहां पर बच्चों की प्राइमरी शिक्षा के साथ कक्षा 2 तक CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक इंसान के जीवन में उसके बाल्यपन की शिक्षा बहुत मायने रखती है और उस पे खरा उतरता है RDNL विद्या मंदिर, जहां शिक्षा के साथ बच्चों के बौद्धिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है और उसे आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर किया जाता है। आज इस पाठशाला में लगभग 150 गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। RDNL विद्या मंदिर में बच्चों को खेल कूद शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर का पहला पाठ भी पढ़ाया जाता है। खेलकूद के माध्यम से यहाँ शिक्षा के आधुनिक प्रयोग भी किए जाते हैं। कंप्यूटर शिक्षा के लिए विशाल कक्ष भी है। योग व्यायाम के शिक्षा के साथ साथ यहाँ वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। RDNL विद्या मंदिर की इमारत में लिफ्ट के साथ साथ लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है और यही वजह है के बहल और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाली नई पीढ़ी की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है RDNL विद्या मंदिर। RDNL विद्या मंदिर इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लव टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑलवेज, वेयर लर्निंग इज फन। हियर टीचर टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। इट इज इंडीड द प्लेस वेयर हेल्थ एंड हाइजीन इज मॉनिटर्ड ऑलवेज। The school was started by 100 students and now with the cooperation of parents and the efforts of teachers, the strength was 600. Not only from the Behel, the students are coming here from 50 villages for their well education. और अभी इसी के साथ वक्त हो चुका है लेने का एक और ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। आधुनिक महिलाओं के जीवन को आरामदायक और रंगीन करें कंफर्ट लेडी। पलाजोज, जेगिंग्स, लेगिंग्स, शिमर्स,
चूड़ीदार, एंकल लेंथ, स्लिम फिट लेगिंग्स। आधुनिक फैशन और कंफर्ट का दूसरा नाम कंफर्ट लेडी। लेगिंग्स, कुर्ती, टी शर्ट, ट्रैक पैंट आदि रेडीमेड गारमेंट्स के कपड़ों के प्रसिद्ध डाईकर्ता एवरग्रीन होशियारी, डाई की दुनिया में प्रसिद्ध और विश्वसनीय नाम एवरग्रीन होशियारी। आपको दुनिया की सैर कराता है नेपच्यून। फैमिली ट्रिप हो या कॉर्पोरेट टूर, आरामदायक और आनंददायक सुरक्षित भ्रमण के लिए आज ही आइए नेपच्यून। सॉल्टी ग्रुप, विश्वस्तरीय होटल, कमर्शियल रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माणकर्ता सॉल्टी ग्रुप, जहां पूरे होते हैं आपके सपने। सॉल्टी ग्रुप। ब्रेक के बाद कंफर्ट लेडी प्रेजेंस वहां जिंदगी सीजन 4 के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश में अपना अलग स्थान बना लेने वाली इन शिक्षण संस्थाओं के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं। श्री एच के चौधरी ने अपने व्यक्तिगत साधनों से सन 2011 में अपनी माता जी के नाम पर एक कॉलेज का निर्माण किया। स्वर्गीय गिंदड़ी देवी चौधरी के नाम से सुशोभित ये कॉलेज हरियाणा के बहल में GDC मेमोरियल कॉलेज के नाम से विख्यात है। इतने कम समय में ही ख्याति अर्जित करने वाले इस कॉलेज में BSc, BA और BCom की शिक्षा दी जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन शिक्षा की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। 7 एकड़ के भूखंड में फैला हुआ ये खूबसूरत कैंपस अत्याधुनिक और वैज्ञानिक शैली से निर्मित है। ये कॉलेज HK चौधरी फाउंडेशन के अधीन है और BRCM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। यह ग्रेजुएशन शिक्षा को 6 एकेडमिक सेशन में बांटा गया है। GDC मेमोरियल कॉलेज की मूलभूत संरचना उच्च स्तरीय है और चूंकि यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी के ग्रेजुएशन की शिक्षा दी जाती है, इसीलिए इनकी प्रयोगशालाएं अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय है। यहाँ एक विशाल सेमिनार कक्ष है जहाँ पूरे भारतवर्ष से विशेषज्ञों को लेक्चर के लिए आमंत्रित किया जाता है। अवकाश के क्षणों में समय व्यतीत करने हेतु छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कॉमन रूम है। कॉलेज की अपनी एक पत्रिका है तथा कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसके फलस्वरूप छात्र छात्राओं को अवकाश के क्षणों में अपनी पसंद के अनुसार मनोरंजन के साधन मिलते रहते हैं। GDC मेमोरियल का अपना हॉस्टल भी है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है तथा पूर्णतया सुरक्षित है। बिजली की आपूर्ति के लिए कॉलेज का अपना सबस्टेशन है तथा छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी मेडिकल जांच की सुविधा उपलब्ध है तथा यहाँ अपना डिपार्टमेंटल स्टोर भी है जहाँ नित्य प्रयोजन के सामान उपलब्ध है। College not focus only on the educational development of a student. College focus on the overall growth of the student by providing them the best platform to show ourselves, to show themselves. I am very proud to say that I am 100% secure in the college. It's anti-ragging, means I am like to say that ragging is strictly prohibited in my college. Our teachers, our principal sir, and all the faculty members work for the well development and personality development of the students for all round the hour. So I would just like to say that yes, I am a student of GDC Memorial College and yes, I am proud to be a student of this college. अब बात करते हैं बहल के एक अन्य विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में जिसके अंतर्गत है फार्मर्स क्लब। यह नाबार्ड के द्वारा संचालित है। हरियाणा के दूर दराज इलाकों में फार्मर्स क्लब आधुनिक तरीके से खेती के प्रशिक्षण के अलावा खेती से जुड़ी अन्य सुविधाओं की भी जानकारी देता है। 10-15 चुने हुए किसानों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे गांव में रहने वाले दूसरे किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों की जानकारी, सुविधाएं और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में आसानी से समझा सकें। कृषि सहकारी समिति के द्वारा बहल और आसपास के गांव के किसानों को कृषि संबंधित वस्तुओं के क्रय विक्रय की समुचित शिक्षा दी जाती है। यह भी बताया जाता है कि कम लागत में कृषि उत्पाद का संरक्षण और उनका विपणन कैसे किया जाए।
किसान क्लब से पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी, जो कि किसान क्लब बनाने के बाद जो हमें जानकारी मिली, जब हमारे पास BRHD चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो लोग हमारे पास आए उन्होंने हमें बताया और इसके लिए मार्गदर्शन किया। उसके बाद हमारे जो संपर्क थे वो कृषि अधिकारियों से बैंकिंग संबंधी जानकारी हमें मिलने लगी। वो सब जानकारी मिलने के बाद आज जो हमारी आमदनी थी जो पिछले 5 साल से पहले आज हमारी लगभग 4-5 गुना बढ़ चुकी है। BRCM की मदद से और नाबार्ड की मदद से हमारे पशुओं का लोन लिया हुआ है, यानी इलाहाबाद बैंक से 50% सब्सिडी मिली थी और वो लोन अभी सब फारिग कर दिया। अब हमारा सबका खूब अच्छी तरह से बहुत अच्छा काम चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ग्रुप हरियाणा के छोटे छोटे गांव में रहने वाले महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है। छोटे छोटे दल बनाकर गांव की ये महिलाएं कोऑपरेटिव के रूप में काम करती हैं। At present, there are around 1,600 women are attached to around 105 self-help groups. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा संचालित है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहां महिलाओं को भिन्न भिन्न तरह की कारीगरी सिखाई जाती है, जिससे भविष्य में वो महिलाएं जीविकोपार्जन कर सकें और अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। We are giving training to many people in and around Behel so that they can earn their own livelihood with the skill training which is being provided under the skill development center which is called as BRCM skill development center. श्री एच के चौधरी ने अपनी धर्मपत्नी के नाम से एक डेयरी की भी स्थापना की है। इस आधुनिक डेयरी फार्म का नाम है उर्मिला चौधरी डेयरी फार्म। यहाँ दूध और उसके विभिन्न उत्पादों को आधुनिक मशीनों की सहायता तैयार किया जाता है। यहाँ दूध, घी, मक्खन, पनीर और आइसक्रीम आदि का उत्पादन होता है। यहाँ एक आधुनिक बेकरी भी है, जहाँ स्वादिष्ट केक, पावरोटी आदि अन्य बेकरी उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्नपूर्णा कैंटीन में भी इनके सप्लाई होती है। बिजली उत्पादन के लिए यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट और गोबर गैस प्लांट भी लगाए गए हैं, जो कि बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त है। BRCM स्पोर्ट्स सोसाइटी के संचालन में एक अत्यंत आधुनिक स्तर का स्टेडियम है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल परिसर। स्पोर्ट्स के आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित और निर्मित ये स्टेडियम खेल कूद की सभी सुविधाओं के साथ दर्शकों के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। स्टेडियम के समीप एक भव्य मंदिर है, जिसकी शिल्प कला बहुत ही आकर्षक है। स्टेडियम और मंदिर के माध्यम से यहाँ के नागरिकों और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को शारीरिक और आध्यात्मिक विकास का भरपूर अवसर मिलता है। श्री एच के चौधरी का एक और सपना है BRCM लॉ कॉलेज, जो अब जल्द ही साकार होने वाला है। केवल शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रचार प्रसार ही नहीं, बल्कि एच के चौधरी ने इन इलाकों के साधारण मनुष्यों के सर्वांगीण विकास की योजना को भी कार्यान्वित किया है। बहल के लोगों को चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए मानव कल्याण हॉस्पिटल की भी स्थापना की है, जहां गरीबों और जरूरतमंदों के इलाज की समुचित व्यवस्था है। साथ ही साथ बहुत ही कम कीमत पर या आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। द ट्रस्ट इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ टू ऑफ द इंस्टीट्यूशन which the government has handed over to us. Under the public-private partnership, we have adopted ITI Behel, where we are giving all the managerial skill as well as the technical support for the best possible facility so that the ITI can come up at par with the other ITIs which is being neglected here. We are also managing the Rajiv Gandhi Khel Stadium, where that stadium is managed by us, and we are running a training program for the rural sports. BRCM Vidyagram is a campus which is spread in over more than 100 acres, where we are having the residential school which is called as BRCM Vidyagram. Apart from that, in this campus we have got engineering college also, which is called as BRCM College of Engineering Technology, and all the residential facilities are in this campus itself. And this campus is the most secured campus, not only for the staff, rather it is very secured campus for
the students also. अपने और अपने परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, पर समाज के लिए वृहद रूप में कुछ जन कल्याणकारी कार्य बहुत कम लोग करते हैं। बहल में जन्म लेने के बाद कोलकाता और सूरत को अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले श्री हरि कृष्ण चौधरी जी ने अपने जन्म स्थल और कर्म स्थल के लिए काफी बड़े कार्य किए। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। श्री चौधरी जी ने शिक्षा को लेकर जो कार्य किए वो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। तो दोस्तों, आज आपने देखा श्री हरि कृष्ण जी चौधरी द्वारा बनाए गए उनके जन्म स्थान हरियाणा के बहल में कई शिक्षण संस्थाओं की जानकारी। आपको हमारे यह प्रयास कैसा लगा आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जरूर बता सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके अगल बगल कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, बल्कि न जाने कितने लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बनाई वह ज़िंदगी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छा लगेगा उनकी जानकारी, उनकी वह कहानी हमारे दर्शकों के सामने लाने की। और अब इसी के साथ वक्त हो चला है लेने का आपसे विदा। जाते जाते मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और कुछ ना कुछ ऐसा करते चले जाइएगा जिससे ना सिर्फ आपकी, ना सिर्फ आपके परिवार की, पर आपके साथ जुड़े हुए काफ़ी लोगों की बन जाए वह जिंदगी। कम्फर्ट लेडी प्रेजेंट्स वह जिंदगी, पावर्ड बाय एवरग्रीन होशियारी, sponsored by Salty Group and Neptune Tours and Travels Private Limited.